बॉलीवुड के शहंशाह माने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने कई अनगिनत फिल्मों में अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग और दमदार डायलॉग से अपने दर्शकों को दीवाना बनाया है। दशकों पहले शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी जारी है। अमिताभ बच्चन ने अपने शानदार अभिनय करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें से एक रही साल 1979 की फिल्म सुहाग, जिसमें शशि कपूर और अमिताभ बच्चन भाइयों के किरदार में नजर आए थे। कौन हो तुम लोग? रघु दादा से पूछना पड़ता है, समझे? तुम रघु नहीं हो? नहीं, मैं समझा कि तुम। माफ कर देना दादाजी, बहुत गलती हो गया। ठीक है ठीक है। ये क्या है? चप्पल। कौन सा? कोल्हापुरी। नंबर? मालूम नहीं। मालूम नहीं। जिसे दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया था, आज भी इस फिल्म को उतना ही पसंद किया जाता है जितना पहले किया जाता था। आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े 5 अननोन फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिमाइंड। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अक्टूबर 1979 में प्रदर्शित हुई मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी फिल्म सुहाग में अमिताभ बच्चन और रेखा के अलावा शशि कपूर, परवीन बॉबी, अमजद खान, निरूपा रॉय, कादर खान, रंजीत और जीवन ने अहम भूमिका निभाई थी, और डायलॉग लिखा था कादर खान ने। बता दें, इस फिल्म में 7 गाने रखे गए थे। गाने के बोल थे, आज इम्तहान है, अठारह बरस की तू होने को आई, अठारह बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा, माँ शेरावाली, डेरों वाली पूछे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा यारा, ए यार सुन यारी तेरी, ए यार सुन यारी तेरी, मुझे जिंदगी से, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल हो दफ्तर ले चलो, और एक डाल पर दो फूल खिले। इन गानों को कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और गानों को अपनी सुरीली आवाज दी थी आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह, शशि कपूर और अनवर ने। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें सुहाग फिल्म ने 10 करोड़ का बिजनेस किया था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से साल 1979 की एक हिट फिल्म साबित हुई थी। हालांकि इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था, लेकिन मनमोहन देसाई इस फिल्म की सफलता से खुश नहीं थे। अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े 5 अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों फिल्म सुहाग के मनमोहन देसाई पहले शशि कपूर के करेक्टर के लिए राजेश खन्ना को साइन करना चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना फिल्म में अपने किरदार में कुछ बदलाव चाहते थे जो मनमोहन देसाई को मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने राजेश खन्ना की बजाय शशि कपूर को इस करेक्टर के लिए चुन लिया। तो तुम यहाँ भी पहुँच गए, तुम जहाँ भी पहुँचते हो दंगा फसाद शुरू कर देते हो। साहब नहीं साहब, ऐसा बात नहीं है, जिधर मैं जाता हूँ ना दंगा फसाद उधर पहुंच जाता, लेकिन साहब एक बात बताऊं, वो पुलिस में हमारा कंप्लेन मत कराना, हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा चलो जाओ, जाना तो एक दिन सबको है साहब, लेकिन साहब वो क्या है, पुलिस में हमारा कंप्लेन मत करना साहब, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तुम बकवास बंद करते हो या नहीं? आप कह रहे तो क्या साहब, आप फांसी लगा दो चलेगा, लेकिन साहब वो हमारा बात क्या देना साहब, हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तो क्या हम फैक्ट नंबर 2, दोस्तों परवीन बॉबी ने फिल्म सुहाग के लिए पर्दे पर बहुत खूबसूरती से अपने करेक्टर को पेश किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनमोहन देसाई को परवीन बॉबी के करेक्टर के लिए पहली पसंद परवीन बॉबी नहीं बल्कि जीनत अमान थी, लेकिन किसी वजह से जीनत अमान ने ये फिल्म नहीं कर पाई थी, जिसके चलते शशि कपूर के साथ परवीन बॉबी को साइन किया गया था। मैं मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मेरे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं। एक मिनट, वो तस्वीर किसकी है?
मेरे बेटे की। ये सैंडल तेरे हैं? ये नहीं नहीं मेरे नहीं है। ये सैंडल तेरे हैं? हाँ। फैक्ट नंबर 3, सुहाग के साथ साल 1979 में शशि कपूर और परवीन बॉबी की एक और हिट फिल्म आई थी जिसका नाम था काला पत्थर। लेकिन जब मनमोहन देसाई ने परवीन बॉबी को फिल्म सुहाग ऑफर की तो उन्होंने इस फिल्म को करने से ही मना कर दिया था क्योंकि उस समय वो कबीर बेदी के साथ यूरोप जाना चाहती थी। उस समय परवीन बॉबी को खुद भी नहीं पता था कि वो कब तक इंडिया वापस लौटेंगी, लेकिन मनमोहन देसाई ने परवीन बॉबी को विश्वास दिलाया कि वो उनका इंतज़ार करेंगे। और जब 6 महीने के बाद परवीन बॉबी इंडिया वापस लौटी तो उन्होंने सुहाग फिल्म साइन करके फिल्म की शूटिंग में शामिल हो गई। फैक्ट नंबर 4, सुहाग फिल्म की शूटिंग के दौरान उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में हेलीकॉप्टर उड़ाने का सीन रखा गया था पर सरकार मनमोहन देसाई को हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन नहीं दे रही थी, इसलिए फिल्म का क्लाइमैक्स मनमोहन देसाई ने सिंगापुर में जाकर शूट किया था। दूसरी खास बात यह थी कि इस सीन में शशि कपूर ने अपने स्टंट खुद किए थे। फैक्ट नंबर 5, सुहाग फिल्म से पहले निरूपा राय अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां बनी थी साल 1975 में फिल्म दीवार में, जहां दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन शशि कपूर के बड़े भाई बने थे, वहीं सुहाग फिल्म में शशि कपूर अमिताभ बच्चन के बड़े भाई बने थे। सुहाग फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन शशि कपूर को भैया कहते हुए सुनाई देते हैं। भैया तुम क्यों चढ़ गए, कूद जाओ। नहीं अमित, अब तो जाओ तुम, वहां मैं। तो ये था दोस्तों सुपरहिट फिल्म सुहाग से जुड़े 5 अननोन फैक्ट्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में बॉलीवुड से कोई नई अनसुनी कहानी लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।